चैनल S11 न्यूज आवाज से अंजाम तक। नमस्कार दर्शकों, S11 DNA न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दादरानगर हवेली स्थित DI के सदस्य सचिवालय पहुंचकर प्रशासक जी से मिले। गत दिनों पहले दादरानगर हवेली विद्युत विभाग द्वारा लघु उद्योग एवं मध्यम वर्गीय उद्योगों के लिए बिजली को 1.35 प्रति यूनिट दर बढ़ा दिया था, जिसके बाद दिल्ली से आए अधिकारी के पास यह उद्योगपति याचिका लेकर गए थे, जिसके बाद उन्होंने इन उद्योगपतियों को आश्वासन भी दिया था। लेकिन 21 फरवरी के रोज दादरानगर हवेली स्थित DNH इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्य सिलवासा सचिवालय पहुंचे और प्रशासक जी से मुलाकात की, जहां पर प्रशासक जी को इस समस्या का निराकरण करने अनुरोध किया गया। इन सभी की बात सुनने के बाद प्रशासक जी ने कहा कि वे जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रशासक महोदय को हमने हमारा जो डिमांड है वो रखा है। पावर बिल जो हमको ये महीने में भी ज़्यादा बढ़ा के दिया है वो 40% तक बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए प्रशासक महोदय ने बोला। मैं प्रधानमंत्री से भी मिला और CS गोयल से भी मिला और आपका काम हो जाएगा, मेरी पूरी सहमति है आपके साथ में, उस ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और ये जल्दी ही कर दूँगा। नहीं, ये जो बिल जनरेट हो गया वो तो हमको बढ़ना ही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और हम लोग उसको वापस मांग रहे हैं कि हमने जो ज़्यादा भरा है वो जिनको बेनिफिट मिला है उनसे लेके और हमको दिया जाए, हमारा ऐसा मानना है। और वो लोग हमसे वसूल जो कर लिया वो भी हमको वापस चाहिए, सभी इंडस्ट्रियल एरिया से, क्योंकि सबको नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसलिए एक इंडस्ट्रियल एरिया से हमने दो दो प्रतिनिधि बुलाए और वो हिसाब से हम लोग मिले, क्योंकि हजारों की संख्या में आना चाहते हैं लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है सब लोग मिलना। तो हमको 6 आदमी को ही अंदर परमिशन दिया, फिर भी सबको नहीं जाने दिया। तो आपको मिलने से संतुष्टि मिले क्या? आश्वासन तो उन्होंने दिया है हमको, बोला मैं कोई भी हालत में ये जेन्युइन प्रॉब्लम है यहाँ की दादरानगर हवेली की, लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, तो उनको भी चिंता है ऐसा। तो कुछ डेट दिया आपको कितने दिन में हमने ऐसा? नहीं, ऐसा कोई डेट दिया नहीं है, लेकिन वो बोल रहे मैं प्राथमिक स्तर पर इसको लेके रख रहा हूँ और मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। प्रशासन महोदय ने आश्वासन दिया है और अभी उन्होंने कार्रवाई का पूरा भरोसा दिलाया है, अभी देखते हैं उनका आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या लड़ाई रहेगी आपकी? ये तो सभी इंडस्ट्री वाले बैठ के आगे की व्यवस्था बनाएंगे। प्रशासन महोदय का आश्वासन, शायद वो PDCL के चेयरमैन भी हैं, प्रशासक भी हैं और टॉप अथॉरिटी हैं दादरा नगर हवेली का, वो लोग डिसीजन लेंगे। सिलवासा टोकरखाड़ा स्कूल पर करियर कॉन्फ्रेंस दिशा प्रेस का हुआ आयोजन। 21 फरवरी के रोज सिलवासा टोकरखाड़ा स्कूल कैंपस पर शिक्षा विभाग द्वारा करियर कॉन्फ्रेंस दिशा फेस्ट का आयोजन किया गया है, जो 2 दिनों तक जारी रहेगा। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को तरह तरह के जानकारियां प्रदान की जा रही है, जैसे कि फायर सेफ्टी, ग्रुप एक्टिविटीज, करियर इन्फॉर्मेशन जोन एवं अन्य कई सारे क्षेत्रों पर जानकारी दी जा रही है। PCB लेके पढ़ना पड़ेगा। PCB में आपको मिनिमम 70 ऑफ मार्क और उसके के साथ नीट, दोनों में अच्छा स्कोर करेंगे तो आप लोग MBA मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपको मिनिमम 90 ऑफ मार्क्स 12th में जाना चाहिए और मेरा नीट में अच्छा स्कोर करेंगे तो आप मेडिकल लाइन में गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज और सरकारी कॉलेज की दोनों की फीस अलग अलग है।
संगीत कॉलेज में एक ईयर की फी मिनिमम 5 लाख स्टार्ट होती है और 50 लाख तक जाती है, और सरकारी कॉलेज की फी 5 से 50 लाख और गवर्नमेंट कॉलेज की फी 5 से 15 हज़ार तक होती है। सिलवासा वापी मेन रोड को दुरुस्त करने का कार्य है जारी। सिलवासा वापी मेन रोड पर गत दिनों से रोड पर डांबर खड़ी बिछाने का कार्य किया जा रहा है ताकि रोड की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ सके। आपको बता दें कि यह कार्य रात के समय किया जाता है ताकि आवागमन करने वाले वाहन चालकों को समस्या ना हो सके।